Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here is a book. The name of your book is Literary Journeys. Today we are going to start with a new chapter. This is chapter number 9 of your book. And the name of the chapter is Children of Courage. Children, do you know what is the meaning of courage? Courage means bahaduri. So, कुछ ऐसे बच्चों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बहुत ही बहादुर हैं. Let's start with the warming up. One should face the troubles bravely. अगर आपके सामने कोई भी मुसीबत आती है तो उसका सामना कैसे करना है? Bravery से करना है, बहादुरी से करना है. In this chapter, the prince bravely faces some robbers and shows his courage when he gets injured. अब इस चैप्टर में क्या है, एक प्रिंस की कहानी है जो किससे लड़ता है, कुछ रॉबर्ट से, कुछ लिटोरों से लड़ता है और चोट लगने के बाद भी वो अपनी बहादुरी पे कायम रहता है. Now read an account of a young boy from Bihar. तो बिहार के एक छोटे से बच्चे की कहानी है ये, who fought robbers and was awarded the Sanjay Chopra Award for bravery. तो जो कुछ लोगों से लड़ा और उसके लड़ने के बिहाव पे उन्हें क्या मिला, संजय चोपड़ा अवार्ड मिला, जो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है. द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर इंडियन चिल्ड्रेन वॉज स्टार्टेड इन 1957 बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICCW कहते हैं. सो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने क्या किया, 1957 में एक अवार्ड शुरू किया जिसका नाम था नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. और ये अवार्ड बच्चों को, इंडियन बच्चों को दिया जा रहा था. किस लिए दिया जा रहा था? टू आइडेंटिफाई एंड ऑनर चिल्ड्रेन हु हैव परफॉर्म आउटस्टैंडिंग डीड्स ऑफ ब्रेवरी. ऐसे बच्चों को दिया जा रहा था जिन्होंने कोई ना कोई बहादुरी का काम किया हो. एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस, और अपने बारे में बिना सोचे अपनी आप कह सकते हो आज़ादी या किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करके, सेल्फलेस सेक्रीफाइस देके उन्होंने लोगों की मदद की है. एवरी ईयर द ICCW गिव्स दीज अवार्ड्स टू चिल्ड्रेन. हर साल क्या होता है, ICCW जो है ऐसे अवार्ड्स बच्चों को देता है बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज. 16 ईयर्स से छोटे बच्चों को ये अवार्ड मिलता है. दीज अवार्ड्स आर गिवन टू चिल्ड्रेन ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी. तो ये अवार्ड हर साल 26 जनवरी और रिपब्लिक डे पे दिया जाता है. द संजय चोपड़ा एंड गीता चोपड़ा अवार्ड आर द टू मोस्ट प्राइज अवार्ड अमंग द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स. तो जो भी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स हैं उनमें ये दोनों अवार्ड्स बहुत ही जाने माने अवार्ड्स हैं. कौन कौन से? द संजय चोपड़ा अवार्ड एंड गीता चोपड़ा अवार्ड. द अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1979 इन मेमोरी ऑफ द टू ब्रेव चोपड़ा चिल्ड्रन. तो ये जो अवार्ड है कब स्टार्ट हुआ, 1979 में, किसकी मेमोरी में, इन दो चोपड़ा चिल्ड्रन की मेमोरी में. मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव बच्चे थे तो इनके नाम पे ही इस अवार्ड का नाम रखा गया. हु लेड डाउन द लाइव्स वाइल फेसिंग द किडनैपर्स. इन बच्चों ने क्या किया, अपने किडनैपर्स से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी. तो इन बच्चों के नाम पे ही ये अवार्ड रखा गया है. दीज टू अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू अ बॉय एंड अ गर्ल रिस्पेक्टिवली फॉर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी. ये दोनों अवार्ड बच्चों को दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी ब्रेवरी के लिए. द अवार्ड इंक्लूड्स अ मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज. तो ये जो अवार्ड है इसमें एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ कैश प्राइज मीन्स पैसे भी मिलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ प्रिंस कुमार हु वाज 12 फ्रॉम गया बिहार, संजय चोपड़ा अवार्डी. तो ये जो कहानी है ये है प्रिंस कुमार की, जो 12 साल का एक बच्चा है और गया बिहार में रहता है एंड इसे संजय चोपड़ा अवार्ड मिल चुका है. प्रिंस कुमार इज अ यंग बॉय हु स्टडीज एट द होली चाइल्ड स्कूल इन बिहार्स
गया डिस्ट्रिक्ट। तो प्रिंस कुमार क्या है, एक छोटा बच्चा है जो कहाँ पढ़ता है, होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ता है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। ही लव्स टू वॉच क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी, उसे क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है। एंड इज अ बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड शाहरुख खान, और ये जो है दो लोगों का बहुत बड़ा फैन है। पहला तो सचिन तेंदुलकर जो एक क्रिकेटर हैं, और दूसरे हैं शाहरुख खान जो कि एक एक्टर हैं। ही ऑल्सो वॉचेज द काउंटडाउन शो ऑन टेलीविजन फॉर द लेटेस्ट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो अब ये इन्हें और क्या पसंद है, प्रिंस कुमार को पसंद है काउंटडाउन शो देखना टीवी पे, जिसमें लेटेस्ट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आते हैं। He likes to play cricket and football with his school friends. अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलना इसे अच्छा लगता है। And his brother आशीष, और अपने भाई आशीष के साथ भी ये मैचेस खेलता रहता है। Who happens to be his best friend too? और आशीष कौन है, उसका भाई तो है, साथ में उसका best friend भी है। He is fond of jalebis and samosas and tries to assist his father. तो आप प्रिंस कुमार जलेबी और समोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने फादर को असिस्ट भी करते हैं, जिनका नाम है रामजी प्रसाद। रन्स हिज स्मॉल ज्वेलरी शॉप इन गया, तो रामजी प्रसाद क्या करते हैं, अपनी छोटी ज्वेलरी शॉप चलाते हैं गया में। हिज ड्रीम इज टू बिकम एन IPS ऑफिसर, तो अब प्रिंस कुमार ये चाहते हैं कि वो बड़े होके एक IPS ऑफिसर बने। Things changed following an incident on 5 November 1999. So, 5 November 1999 ko sab cheeze change ho gayi uski life mein. It was an incident that a year later won him the impressive Sanjay Chopra Award. Aur ye aisa incident tha jiske baad inhe ye award bhi mila. The nation's second highest award for bravery. ये हमारे नेशन का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है जो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। सो नाउ चिल्ड्रन, नाउ वी नो द सम ऑफ द डिटेल्स अबाउट प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार की कुछ डिटेल्स हमें पता है। नाउ प्रिंस कुमार इज नरेटिंग हिज स्टोरी, वो अपनी स्टोरी हमें सुना रहे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। इट वॉज 5 November 1999, 2 days बिफोर दिवाली। दिवाली से 2 दिन पहले की बात है ये, और डेट क्या थी, 5 November 1999। सिंस इट वॉज द फेस्टिव सीजन सेल्स वर ब्रिस्क, यहाँ पे क्या था, सेल्स सीजन था क्योंकि दिवाली थी, फेस्टिव सीजन था, लेकिन जो सेल्स थे वो हल्के थे, कम थे। माई ब्रदर आशीष एंड आई वर हेल्पिंग डैडी एट द शॉप, तो मेरा जो भाई आशीष है और मैं, हम दोनों डैडी को क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे शॉप पे। आई लेफ्ट द शॉप अराउंड 11 PM, मैंने शॉप को 11 बजे रात को छोड़ दिया था। एंड वेंट होम, और घर चला गया। डैडी एंड आशीष लेफ्ट हाफ एन आवर लेटर, और मेरे घर पहुंचने के आधे घंटे बाद डैडी और आशीष भी घर आए। As they entered the lane leading to our house, they saw two shady looking young men lurking nearby. तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर कर रहे थे, हमारे लेन में, हमारे रास्ते में आ रहे थे, गली में पहुंच रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि दो लोगों की शेड थी, शेड मीन्स परछाई आ रही थी जो उनका पीछा कर रही थी। डैडी हेजिटेटेड बट आशीष अर्ज हिम टू इग्नोर देम एंड दे केप्ट मूविंग ऑन। सो डैडी को क्या लग रहा था, डर, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे, तो डैडी थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन आशीष ने कहा कि इन लोगों को इग्नोर करते हैं पापा और हम घर चलते हैं। व्हेन दे रीच द गेट, जैसे ही वो पापा और मेरा भाई गेट तक पहुंचे, आई ओपन इट, मैंने गेट को खोला। आशीष आज माई फादर टू मूव टूवर्ड्स द हाउस, आशीष ने पापा से बोला घर के अंदर चलिए। While he stood there with me as I was closing and locking the door, तो मेरा भाई आशीष जो है उसने पापा को घर के अंदर भेजा और वो मेरे साथ ही खड़ा हो गया क्योंकि मैं दरवाजे को बंद और लॉक कर रहा था। Suddenly 6 or 7 men pushed the gate open. अचानक से क्या हुआ, जैसे ही मैं दरवाजे को बंद कर रहा था, अचानक से 6 से 7 लोग दरवाजे पे पुश करने लगे, ओपन करने लगे दरवाजे को। आशीष एंड आई
ब्लॉक द पाथ। आशीष और मैंने मिलके उस रास्ते को रोका, मैंने दरवाजे को खोलने से रोका उन्हें। वन ऑफ देम पुट अ रिवॉल्वर ऑन आशीष हेड। एक ने क्या किया, आशीष के हेड पे रिवॉल्वर लगा दी एंड थ्रेटेंड टू शूट हिम अनलेस वी मूव्ड आउट ऑफ देयर वे। और उसने बोला कि मैं आशीष को गोली मार दूंगा अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे। द थ्रेट वॉज नो इफेक्ट ऑन आशीष हु शाउटेड बैक। अब उस धमकी का आशीष पे कोई असर नहीं था। आशीष ने क्या चिल्लाया, डू नॉट शो मी दिस टॉय, ये खिलौना मुझे मत दिखाओ। देन सडनली आशीष पंच्ड द मैन विथ अ रिवॉल्वर ऑन हिज फेस मेकिंग हिम लॉस्ट हिज बैलेंस। तो अचानक से क्या किया, अब आशीष ने उस आदमी को जो बंदूक दिखा रहा था उसके मुंह पे घूसा मारा, जिसके बाद वो आदमी जो है क्या था, अपना बैलेंस खो दिया उसने। बट अनदर मैन विथ अ रिवॉल्वर हिट आशीष ऑन हिज स्कल एंड ही फेल। लेकिन जो दूसरा आदमी था जिसके पास भी एक रिवॉल्वर था, उसने आशीष को बहुत तेज मारा उसके स्कल हिस्से पे और आशीष गिर गया। This angered me greatly, और ये देख के मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। And I caught the man by his neck, squeezing his ear pipe and sank my teeth in his arm. अब मैंने क्या किया, जब उसने मेरे भाई को बहुत तेज मारा, वो बेहोश हो गया, वो नीचे गिर गया, तो मैंने उस आदमी के गले को पकड़ा, उसका ये जो एयर पाइप है इसे जोर से दबाया और टीथ से उसके आर्म पे मैंने बाइट किया। ही स्टार्टेड शाउटिंग इन पेन। अब वो दर्द से चिल्ला रहा था। वन ऑफ हिज कंपेनियंस फायर्ड एट मी बट मिस्ड। उसके एक फ्रेंड ने मेरे पे गोली चलाई लेकिन गोली मिस हो गई। द बुलेट हिट द कंपाउंड वॉल, और जो बुलेट थी वो मेरे पीछे जो वॉल थी उस तक जाके लग गई। बट हिज सेकेंड शॉट पियर्स माई बैक, लेकिन उसने दूसरी गोली चलाई और वो मेरे बैक पे लगी। बेयरली एन इंच अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और वो क्या था, वो गोली मेरे स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी से हल्का सा ही दूर था। एंड आई फेल टू द ग्राउंड, और मैं जमीन पे गिर गया। इन द कॉमोशन दैट फॉलोड द रॉबर्स फ्लेड, और इन सब के बीच में वो जो रॉबर्स थे, वो जो चोर थे, वो भाग गए। माई फादर हु वॉज थ्रोइंग आयरन बकेट्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स एट द रॉबर्स फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर ऑफ द हाउस केम रनिंग डाउन व्हेन ही हर्ड द शॉट्स। तो मेरे पापा जो ऊपर से लोहे की जो बाल्टियाँ वगैरह हैं या दूसरे घर के सामान उन रॉबर्स के ऊपर फेंक रहे थे, जैसे उन्होंने सुना कि गोली की आवाज आई है, वो नीचे भागते हुए आए। ही एंड माई इंजर्ड ब्रदर कैरीड मी टू द हाउस। तो अब उन्होंने और मेरा जो भाई था, उन दोनों ने मिलके मुझे घर के अंदर ले गए। आवर नेबर्स टू रीच द सीन एंड आई वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाय। सो हमारे जो पड़ोसी थे वो भी घर पे आ गए और हमें, मुझे लेके ये सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए। आई वॉज फुली कॉन्शियस, मैं पूरी तरह से होश में था। द डॉक्टर सेड द बुलेट वॉज जस्ट हैज जस्ट गेज मी एंड हैड नॉट पियर्स द बॉडी। सो डॉक्टर का कहना था कि जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो मेरे बॉडी को छू के ही बस निकली है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अ सीनियर डॉक्टर एडवाइज अस टू गो टू पटना। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई तो एक सीनियर डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें पटना जाना चाहिए। द स्टेट कैपिटल 110 किलोमीटर्स फ्रॉम गया। तो ये जो है ऐसी जगह थी जो गया से 110 किलोमीटर्स दूर थी। फॉर बेटर मेडिकल एड, तो डॉक्टर ने कहा, सीनियर डॉक्टर ने, कि आपको पटना जाना चाहिए, वहाँ जाके इनको दिखाना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, ताकि इन्हें और भी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। एट द आलोक नर्सिंग होम इन पटना, तो अब हम पटना पहुँच चुके थे और वहाँ हम कहाँ गए, आलोक नर्सिंग होम में। तो वहाँ पे हमें मिले डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद और उन्होंने हमें एडवाइस किया फॉर इमीडिएट सर्जरी। उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, सिंस द बुलेट वॉज लॉक्ड इनसाइड माई बॉडी।
क्योंकि जो बुलेट था वो मेरी बॉडी के अंदर ही था. आई वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड हैड टू स्टे इन द नर्सिंग होम फॉर 20 डेज. अब मेरा जो है ऑपरेशन किया गया और मुझे वहाँ पे 20 डेज तक रहना पड़ा. आई हैड टू स्टे इन पटना फॉर 1.5 मंथ्स आफ्टर आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द नर्सिंग होम. अब मुझे जो है पटना से डिस्चार्ज किया गया 1.5 मंथ्स के बाद. एज आई वॉज नॉट इन द पोजिशन टू ट्रैवल, क्योंकि मैं ट्रैवल करने की पोजिशन में नहीं था. डैडी रेंटेड अ रूम देयर. तो डैडी ने क्या किया, क्योंकि 1.5 महीने वहाँ रहना था तो डैडी ने किराए पे एक रूम ले लिया. मोर ओवर आई हैड टू गेट पस ड्रेन फ्रॉम माई वूंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब क्या हो गया, मेरा जो चोट था उसमें से पस निकल रहा था, तो उस पस को निकालने के लिए काफ़ी टाइम तक मुझे काफ़ी टाइम लग गया. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइजेज. अब इसके बाद क्या हुआ, जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैं अब ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइजेस पे जाने लगा, विच हेल्प मी वॉक नॉर्मली, जिसकी वजह से मैं नॉर्मली चल पा रहा था. When I was operated upon, the doctors had told my father that I might walk with a limp. तो मेरे डॉक्टर्स ने मेरे फादर को ये बोला कि आपका जो बेटा है उसे जो है ऐसी जगह पे गोली लगी है कि वो थोड़ा सा हो सकता है लिम्प के साथ चले, मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा होके चले. Fortunately for me, that did not happen. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. It was while I was at nursing home that Dr. Prasad told my father that I could get a bravery award for what I have done. So, अब जहाँ जब मैं वहाँ पे था नर्सिंग होम में पटना के, तो वहाँ पे जो डॉक्टर प्रसाद थे उन्होंने मेरे फादर से बोला कि आपके बेटे को तो बहादुरी पुरस्कार मीन्स ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए. लेटर माई एल्डर ब्रदर हु स्टडीड इन दिल्ली सबमिटेड एन एप्लीकेशन एट राष्ट्रपति भवन. तो मेरा जो भाई जो दिल्ली में पढ़ता था उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति भवन भेजा एंड कंप्लीटेड अदर रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़, और दूसरी जो भी फॉर्मेलिटीज थी उसे कंप्लीट किया ऑन 14 नवंबर 2000. सो अब जो है हमें 14 नवंबर 2000 को क्या हुआ, माय फादर रेड द न्यूज़पेपर अबाउट माय गेटिंग द अवार्ड इन द न्यूज़, रेड द न्यूज़ ऑफ माय गेटिंग द अवार्ड इन आर न्यूज़पेपर. तो 14 नवंबर 2000 को उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ी पापा ने कहाँ पे, एक न्यूज़पेपर में कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है. माय फादर वाज ओवरजॉयड, ये सुन के मेरे पापा बहुत खुश हो गए. माय फ्रेंड्स क्लासमेट्स एंड टीचर्स वर ऑल वेरी हैप्पी फॉर मी. तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए. एवरीबडी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग माई फादर एंड मी. सब मुझे और मेरे फादर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे. आशीष माई ब्रदर गॉट अ जनरल ब्रेवरी अवार्ड. मेरा जो भाई था आशीष उसे भी एक अवार्ड मिला जो था एक जनरल ब्रेवरी अवार्ड. इट वॉज आवर ग्रेटेस्ट मूवमेंट. वो हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट था. इवन इन माई ड्रीम्स आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ रिपब्लिक डे परेड. तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे रिपब्लिक डे परेड का को अटेंड करने का मौका भी मिल सकता है और मीट द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट. ना ही मुझे मैंने कभी ये सोचा था कि मैं एकदम से जाके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिल पाऊंगा. मैंने कभी नहीं सोचा था. द अवार्ड हैज़ मेड इट पॉसिबल. और इस अवार्ड से ये पॉसिबल हो पाया. इट विल हेल्प मी इन मेकिंग माई करियर. अब इससे क्या होगा, मेरा करियर और अच्छा बन सकता है. आई हैव बीन टू दिल्ली बिफोर बट इट वॉज सो डिफरेंट दिस टाइम. मैं दिल्ली पहले भी जा चुका था लेकिन इस बार वो कुछ अलग था. अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर आवर फ्री सेफ्टी फ्री स्टे एंड वर टेकन फॉर टूर्स टू अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर ब्यूटिफुल प्लेसेस. तो बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए थे हमारे को फ्री वहाँ पे स्टे कराने के लिए. हमारे टूर्स को अरेंज किया गया था, हमें अम्यूजमेंट पार्क घुमाया गया और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहों पे घुमाया गया वहाँ दिल्ली में. आई थिंक ऑल चिल्ड्रेन शुड एक्ट ब्रेव.
when the need arises. मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को bravely act करना चाहिए जब भी जरूरत हो. In fact, we should not expect the police to be there every time and should focus on self-defense. हमें इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि पुलिस हमेशा हमारी रक्षा के लिए वहाँ पे मौजूद हो. हमें फोकस करना चाहिए किस पे? सेल्फ डिफेंस पे. सो दिस वॉज द चैप्टर चिल्ड्रेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग्स. सो ये द फर्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग शोइंग mental or moral strength to face danger, fear or difficulty. Next is sacrifice, a loss or something you give up, usually for sake of a better cause. Next is incident, an occurrence of an action or situation that is a separate unit of experience. Festive means cheerful and exciting. Hesitated means to hold back in doubt or in decision. Means किसी चीज से घबराना. Urge means to strongly advise or try to persuade someone to do a particular thing. Revolver is a type of small gun with a container for bullets that turns round. Threaten means you feel as if someone is trying to harm you. And surgery is a procedure to remove or repair a part of the body or to find out whether disease is present. So these are the word meaning, children. You have to learn them. Now let's move on to book exercise. And here let's start with the comprehension. So here the first part is multiple choice questions. First question over here is, Prince's dream was to sell samosas and jalebi, become an IAS officer, become a cricketer, ya become a doctor. Kya banna chahta tha wo? So he wanted to become an IAS officer. In the nursing home in Patna, Prince had to stay for 20 days, 1.5 months, more than 1 month or 2 weeks. So here he had to stay for more than 20 days. So like this, children, you have to do the answer of the rest of the questions. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So now, children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, the Sanjay Chopra and Geeta Chopra awards are the two most prize awards among the National Bravery Awards. Second one is, Prince Kumar is a young boy who studies at the Holy Child School in Bihar's Gaya district. So these are the answers to fill in the blank, children. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.